प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का सिलेबस, यानी कि आपके अंग्रेजी विषय के सिलेबस में इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या क्या दोस्तों आपको इसमें से याद करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। आज हम आपको सभी कुछ चीज़ें बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय के लिए। इसलिए आप सभी लोग अंतिम समय तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके। तो दोस्तों, अभी हम इसका सॉल्यूशन भी तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपका इसका पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तब तक आप इन चीज़ों को जरूर देखें। आप यहां से देख पा रहे हो त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का पूरा कोर्स देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी सब कुछ मैं आज आपको बताऊँगा। तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान से जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिज कोर्स की। तो ब्रिज कोर्स आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप इस जगह से देख पा रहे हो इतने यूनिट आपको ब्रिज कोर्स से कंप्लीट करने हैं, यानी कि आपको यूनिट 4 से लेकर 10 तक, और आपको कुल मिला के आप ये समझिएगा कि आपको यूनिट कितने कंप्लीट कर लेने हैं, 4 से लेकर 14 तक के यूनिट आपको इसके लिए कंप्लीट कर लेने हैं। तो आप इन यूनिट को जरूर याद कर लें, जैसे कि आपको ये जो दे रखे हैं यूनिट वाइज 4 से 14 तक, और ये पूरे के पूरे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इन यूनिट से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इसको जरूर तैयार करेंगे ब्रिज कोर्स को। व उसी के अलावा आप आगे बात करते हैं आपकी जो सेकंड पुस्तक है, फर्स्ट पुस्तक है, जिसका नाम बिहाइव है। तो बिहाइव में से कितनी चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी हम देख लेते हैं। बिहाइव नाम की जो पुस्तक आपकी दी गई है, स्कूल से आपको मिल गई होगी, इसमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी हम देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ से देख पा रहे हो इसमें बिहाइव का जो पार्ट 1 है, द फन दे हेड, इस वाले पार्ट को आपको करना है। दूसरा दिया गया है साउंड ऑफ म्यूजिक, ये पार्ट भी आपको करना है। द लिटल गर्ल, इस पार्ट को भी आपको याद करना है। ए ट्रम्प ब्यूटीफुल माइंड, इस पार्ट को भी आपको याद कर लेना है। तो ये पार्ट जो दिए गए हैं, आप सभी लोग ध्यान से इन पार्टों को जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे। और उसी के आगे दोस्तों, आप इस जगह से देख पा रहे हो तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, आप यहाँ से देख लें। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देखेंगे और नोट करेंगे। पोएट्री का पार्ट दिया गया है 1, द रोड नॉट टेकन, इस पार्ट को आपको याद करना है। और उसी के अलावा अगला दे रखा है वाइंड, इस पार्ट को करना है। रेन ऑन द रूफ, द लेक आइलैंड ऑफ द इंसिफेन, तो इस वाले को पार्ट को भी आपको याद कर लेना है। तो ये बिहाइव नाम की जो पुस्तक है, इसमें से आपको इतने पार्ट याद कर लेने हैं। व इसी के अलावा अगर आगे देखा जाए दोस्तों, तो आगे आपको क्या करना है, आपकी जो मोमेंट नाम की किताब दी गई होगी स्कूल से, उसमें से आपको इतने सारे पार्ट पढ़ लेने हैं। देखिएगा कौन कौन से पार्ट हैं, द लॉस्ट चिल्ड्रन, द एडवेंचर ऑफ टोटो, इज वारान, द स्टोरी लेटर, तो आपको ये भी इसको याद कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेनी हैं और इनको याद कर लेना है, जिससे कि ये आप सभी को दोस्तों अच्छी प्रकार से याद हो जाए। व इसी के अलावा आप आगे बात करते हैं, तो आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो ग्रामर। ग्रामर में दोस्तों सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, लेटर पूछे जाएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, प्रपोजिशंस आएंगे, पिक्चर कंपोजिशन आएंगे, और इसके अलावा नोट मेकिंग समरी आपसे पूछी जाएंगी, और टेंस पूछे जाएंगे, और डिटरमिनर्स पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इस आधार पर कंप्लीट जरूर करें। और दोस्तों, क्या आपको अंग्रेजी का पूरा सिलेबस ऐसा हम बना दें आपके लिए कि जिसमें से आपके सारी चीज़ें आ जाए, तो वो भी हम अभी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो आप तब तक इन चीज़ों को जरूर इस हिसाब से, आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है उससे आप इस हिसाब से जरूर पढ़ाई कर लें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आप सभी को हमारी तरफ से त्रैमासिक परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। नमस्कार।